So, dear students, let's start with the same chapter, that is events, tries and O level. And today it's time to pursue with lecture number 8 of this long chapter. I think you are able to understand each and every concept, each and every point so far as this particular chapter is concerned. There is no doubt in that. So, dear students, let us start enthusiastically. So, I think we did up to that particular point when Stephens had glimpsed in events. I think we did up to that particular point. And you were crystal clear. The 11:30 25 छोड़ के आता है उसको और उसके बाद जब वो ऑब्जर्व करता है कि चाय कॉफी पीने उसने जाना होता है लेकिन वो ही वांटेड टू लुक एट द सेल ही वांटेड टू हैव अ लुक इन द सेल वेदर ईच एंड एवरीथिंग इज ओके और नॉट आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द प्रीवियस पॉइंट्स. And let us start with today's basic assignment. So, we look at today's assignment, we'll be able to get episode wise. I think next episode you will be able to observe in the same chapter will be very different. That is while Stephens glimpsed in the cell of events, surprised to look at the situation of that particular cell, was really surprised. So, क्यों? You have to look at that particular point. कि इस बात को हैरानी हुई जब उसने cell में देखा. Why that fellow was surprised? आज का episode I think you are able to understand. Reason behind that was injured fellow was there in Vance ke cell mein ek maybe Vance aur McCleary to wo tha jab har people se Stephens ne observed I was surprised ki wo to canteen jane wala tha. I think now let us look in detail how it had happened, why the things were in that. तो बेटे क्या कारण था कि नेगेटिविटी क्रिएट हुआ, किस टाइम क्रिएट हुआ इवेंट्स के सेल में? वी आर गोइंग टू स्टडी डी पॉइंट्स टू लुक एट द सिचुएशन और कॉन्सेप्ट. आई थिंक इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी विल बी एबल टू लुक एट द बेसिक पॉइंट इन अ क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर दैट दैट फेलो वाज इन इंजर्ड स्टेट एंड think situation became very negative immediately. तो सारी हफड़ा दफड़ी जो थी प्रिजन में फैल चुकी थी, शोर मच चुका था प्रिजन में किस बात का कि injured fellow is there in Ivan's cell. I think there is no doubt up to this particular point. तो the situation was really critical. कैसे बना, कब बना, आई थिंक पहले इसके बारे में सोच लीजिए. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक यू शुड बी एबल टू लुक एट थिंक अबाउट द बेस कि ये क्या हो, हुआ क्या था, व्हाट हैड हैपेंड. एवरीथिंग वाज गोइंग ओके. इवन फिर हम जब कर रहे थे अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट द पेपर वाज ओके. इवन इन विजिलेटर वाज just very happy to look at the things. Every conversation was in positive order. तो ये injured कब मरा, कब attack किया होगा? अगर वो McCleary था prison cell में जो injured state में था तो events बाहर निकल गया इसका मतलब.
धोखा दे के अपने आप को डिस्गाइज फॉर्म में, आई थिंक अगर ये एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, आपको उसको पहले सुनिए, देन शुड बी एबल टू थिंक ओवर एंड वी विल बी एबल टू लुक एट दिस पार्टिकुलर आई थिंक कॉन्सेप्ट और पॉइंट क्लियर्ड व्हाई वी विल स्टडी दिस पार्टिकुलर चैप्टर. तो हमें हमें नेक्स्ट पार्ट में क्लैरिफिकेशन होगी इस पॉइंट की कि क्या सच में ही जो भागने वाला था इवेंस था, या वो मिक्लेरी ही था. तो आई थिंक इज अ वेरी ड्रामेटिक वे जो ये किया था ना इस बंदे ने, दैट वाज वेरी डिफरेंट. क्योंकि ना कहते ना एक फ्लेवर होता है, एक शेड्यूल्ड पर्सनालिटीज, तो ये दैट फेलो वाज वेरी शेड्यूल्ड टाइप पर्सनालिटी. यूज्ड टू क्रिएट फन ना वेरी मैजिकल वे, और क्योंकि उसका एक प्रोफेशन ही ऐसा बन चुका था, ही वाज आई थिंक एबल टू लुक एट द थिंग्स वेरी डिफरेंट. तो एस्कोर्ट करने के बाद, उनको छोड़ने के बाद, रियल सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट. सम इंजर्ड फेलो वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर सेल. तो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू लुक एट द वेज यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इन कंटिन्यूटी. तो उसने ही री एंटर डीविंग इट इज वे अलोंग टू इवेंट सेल. वो दोबारा एंट्री किया सीफिंस ने डीविंग में, और अपनी एंट्री इवेंट्स की सेल की तरफ की एंड ओपन द पीपल वंस मोर. और जैसे पीपल को खोल के देखा, ही वाज सरप्राइज टू लुक एट इंजर्ड पर्सनैलिटी. तो इसकी लाइंस को जस्ट लुक एट, इस एपिसोड की कुछ लाइंस को समझना, दिस आर वेरी डिफरेंट एंड यू विल बी एबल टू लुक एट और नो क्राइस्ट नो सप्रॉल्ड बैक इन इवेंस चेयर फॉर द मैन. फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवेंस. A grey regulation blanket slipping from his shoulders. So we look at page 81, last paragraph. जब observation किया, things were very different. तो इवेंस की चेयर पे एक इंजर्ड पर्सन था, एक एक मिनट भी नहीं, सेमी सेकेंड होता आधे सेकेंड के लिए. स्टीफन ने सोचा इवेंस ही है, मस्ट बी इवेंस, क्योंकि ग्रे कलर का ब्लैंकेट जो था उसके शोल्डर से नीचे आ रहा था, वही ब्लैंकेट जो उसने एंड में लिया था, इट वाज सीन ओवर. तो क्या हुआ नेक्स्ट, इन द फ्रंट ऑफ इस क्लोजली क्रॉप्ड इररेगुलरली टफ्टेड हेयर अवाश विद फायर्स रेड which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. तो वही ग्रे कलर का ब्लैंकेट, वही उसका हेयर स्टाइल. तो टफ्टेड होता है बेसिकली गुच्छेदार जो उसके हेयर थे, यू शुड बी बंच ऑफ हेयर. तो वही से ब्लड निकल रहा था और वो ब्लड नीचे आ रहा था. ड्रिप्ड का मतलब होता जो फ्लो था, जो ब्लड था इट वाज कहाँ तक आ चुका था, वी वर एबल टू लुक एट द थिंग्स जो जो उसकी ब्लैक बियर्ड थी वहां तक ब्लड जो था फ्लो हो चुका था, और अब जबकि कॉलर तक भी पहुंच चुका था उसके, स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द व्हाइट कॉलर क्लरिकल कॉलर. ये कॉन्सेप्ट जो है क्लरिकल कॉलर का, इट इज क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन. तो अब एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट, और ब्लड जो था जस्ट ओवरफ्लोइंग, बड़ा स्पीडली ओवरफ्लो कर रहा था ब्लड. दैट फेलो वाज क्रिटिकली इंजर्ड. आई थिंक यू आर एबल टू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी ग्लिम्प्स ऑफ स्टीफन्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टीफन्स. देन अगला स्टेप देखिए, मोर स्टेप वाइज. Stephen shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of
blood that veiled McCleary's ears. The minister's hand felt feebly for a handkerchief from the pocket and held it to the bleeding head. The blood seeping slowly through the white. चोर से चिल्लाया स्टीफन जैक्सन को बुलाने के लिए, और जो वर्ड्स थे, यानी वर्ड्स कौन से, जो वर्ड्स स्टीफन ने बोले थे जोर से हाई वॉल्यूम में, टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वील्ड मैक्लरीज इयर्स मिस्टर सैंडफेल्ड फीबली for a handkerchief from his pocket and held it to the bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. He gave a long, low moan and tried to speak. अब इस स्टेट पे क्या हुआ? यानी यहाँ पे स्टीफन सोच रहे हैं कि ये मैक्लरी है, कि इवेंस भाग चुका है, मैक्लरी जो है वो इंजर्ड स्टेट में है. इस स्टेट में आप देखोगे कि दैट फेलो जो भी था उसमें, उसका सस्पेंस में है, आप एंड में इसको देखोगे इसका सस्पेंस का आंसर क्या है. तो मैक्लरी ने क्या किया, उसने हैंडकरचीफ निकाला अपनी पॉकेट से और ब्लड पे रखने की, जहां से ब्लड ओवरफ्लो हो रहा था वहां, जहां पे जख्म था, यानी कि हाईलाइट कर रहा था कि जहां जख्म है वहां पे हैंडकरचीफ से उसको पुशिंग एंड पुलिंग करने की कोशिश कर रहा था कि ब्लड जो है उसका फ्लो कम हो जाए. और साथ में उसने धीरे से क्राई आउट किया और कोशिश किया बोलने की, यहाँ यानी पॉज कर रहा है कि डीपली इंजर्ड, और यानी और साथ में ये पॉज कर रहा है कि ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है और उसको कैसे, यानी कि उसके फ्लो को कम करना है कि ताकि वो इतना ज्यादा ब्लड ओवरफ्लो ना हो. दैट एक्शन वाज टेकन बाय मैक्लरी था या इवेंस था वो तो आपको बाद में पता चलेगा बेटे, जब आप इस चैप्टर का एंड करोगे. वेरी अर्ली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट दिस वाज ट्रेल्ड अवे एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच डिफेंस टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस, द हैंडकरचीफ वाज स्टिकी स्क्रैची वॉच ऑफ फ्लो. जस्ट लिसन दिस. तो बट इज वॉइस ट्रेल्ड अवे, उनकी आवाज जो थी धीमी होती जा रही थी, ट्रेल्ड अवे होता है जब धीमी धीमी, क्योंकि वो हाईलाइट कर रहा था, पॉज बना रहा था कि इसको इंक्लूड डाई वेरी अर्ली, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा दिखाया हुआ था. और जैसे ही जैक्सन वहां पहुंचा इवेंस के सेल में एंड डिस्पैच स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस, और इंस्ट्रक्शन दिया स्टीफन्स को कि पुलिस को फोन कर, and the handkerchief was sticky. उस टाइम तक, यानी जब भी जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जैक्सन ने आके स्टीफन्स को कि कॉल कर पुलिस को और एम्बुलेंस बुलाएं ताकि इसको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया जाए, जो कि इतना क्रिटिकल स्टेट में इंजर्ड है. यहाँ पे चीफ इंजर्ड पर्सनैलिटी ने अपने जख्म पे रखने की कोशिश कर रहा था, that had become sticky, squelchy, wedge of cloth. I'll try to understand the vocabulary, बेटा, ये main है. आपको इसके meaning अपना लिख लीजिए. You will have to look at. अगर हम इस word का देखा जाए sticky, जब भी कोई hanky हो या कोई भी dry cloth को हम यानी गीला करते हैं, wet होता है, the things become like that. You will have to look at. तो वॉच का मतलब होता है बहुत बड़ा सा हो जाना, स्टिकी स्क्वेल्ची का मतलब बहुत ब्लड से भर चुका था जो हैंकरचीफ था. Was in different state. यानी कि that point was highlighting that blood flow was स्पीडी, जो भी ब्लीडिंग हो रहा था, जैसे जो भी यानी इंजरी थी, दैट वाज द एक्सट्रीम लेवल. आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट. यानी कि जैक्सन उसी टाइम आ गया था जैसे स्टीफन ने बुलाया, लेकिन तब तक जो हैंकी था, हैंकरचीफ था, इट वाज फुल ऑफ ब्लड. आई थिंक देयर इज नो डाउट. लुक एट द नेक्स्ट एपिसोड.
यू विल हैव टू लुक एट द नेक्स्ट एपिसोड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. तो जो भी वहां इंजर्ड पर्सनैलिटी थी, यानी कि इस स्टेज पे ये माना जा रहा है कि दैट पर्सनैलिटी वाज निकलरी. और ये तो कोई शक कर भी नहीं सकता कि जो इंजर्ड स्टेट में था वो इवेंस खुद ही था. नोबडी इज एबल टू जस्ट मेक इमेजिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. उस चीज का इमेजिनेशन तो अभी तक हो ही नहीं सकता. तो अब इस एपिसोड में बी क्विक टू लुक एट द थिंग मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ एंड हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन इन अ वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन. I'm all right. Get the police. या मैक्लरी, यानी कि जिसको मैक्लरी समझा जा रहा है, जो पर्सन इंजर्ड स्टेट में, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा रेस करने की कोशिश की बोलने के लिए. Tried his best to raise himself. तो उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर आया और बड़ी painfully he was speaking. कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, एम्बुलेंस की चिंता मत करो, कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की चिंता करने की. मैं ठीक हूँ. पुलिस को बुलाओ. कहते पुलिस को, गेट द पुलिस. I know where he dash dash dash. मुझे पता है कि कहाँ इवेंस भाग गया. Wanted to highlight that particular point. Injured personality wanted to highlight that particular point. कि उसको पता है कहाँ गया वो. यानी कि यहाँ हाईलाइट कर रहा है कि मुझे पता है कि इवेंस कहाँ भागा है. तो मेरी परवाह मत करो, पहले इस केस को सॉल्व करो. He wanted to highlight that particular. He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge raindrop on the wooden floor. अब उसने आंखें अपनी बंद किया, जो भी इंजर्ड फेलो था. And another drip of blood splashed like a huge red raindrop. और एक और जो ब्लड ड्रॉप था, इतना हैवी ब्लड ड्रॉप था, जैसे एक रेन होती है, वो वुडन फ्लोर पे गिरा. पॉइंट बता रहे हैं कि दैट फेलो वाज क्रिटिकली इंजर्ड, की जो ब्लीडिंग हो रहा था बहुत स्पीडली हो रहा था. And his hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. Get the guana. I know where events. Just look at actions and reactions of injured personality here, dear students. ये एपिसोड 3 है जो आज हमने कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट, तो इसके पीप डीप इनटू द बेस ऑफ इट. तो बेटे आप ब्लीडिंग बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन जो इंजर्ड फेलो है वो कह रहा है मुझे पता है कहाँ गया. गवर्नर को बुलाओ, मैं बताता हूँ उनको कि वो फेलो गया कहाँ. इवेंस टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आई थिंक देयर इज नो डाउट सो फार एज दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज कंसर्न. लुक एट द नेक्स्ट. अगला स्टेप पे देखना क्या हुआ. आफ्टर इमीडिएटली साइरन्स वर साउंडिंग, प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर अलोंग द कॉरिडोर्स, डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर एंड विद इन अ मिनट मैक्लरी जैक्सन एंड स्टीफन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन आइदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रेट and caked with drying blood, was greeted in prison yard by the governor perplexed and grim. Dear student, just listen this particular paragraph's points in a very serious order. अब इस स्टेट पे जब उन्होंने कहा था ना कि गवर्नर को बुलाओ, तो situation of that particular prison was very different. Siren बज गए जोर जोर से. Siren, you are able to look at the things. एक मिनट में, I think sirens were there. Or if we look at the next point, तो prison officers barked orders. Prison officers ने जोर जोर से order देने शुरू कर दिए उन्होंने. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors.
और जो बाकी प्रिजनर्स थे उस जेल में, दे बिकेम कंफ्यूज कि हुआ क्या है। सायरन बजने जब बजता है प्रिजन में, इट्स अ वेरी नेगेटिव साइन और एक अलार्मिंग साइन होता है कि हम सम इमरजेंसी इज देयर। तो सो दैट इज व्हाई प्रिजनर्स वर पजल्ड एंड दे पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, दरवाजे जो थे ठक ठक की आवाज आनी वहां शुरू हो गई और बंद होने शुरू हो गए। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, सब जगह फोन की आवाज आ रही थी, फोन की जो रिंग टोन थी, एवरीबॉडी वाज एबल टू लुक एट द थिंग। सब जगह घंटियां बज रही थी फोन्स की पूरे प्रिजन में। और एक मिनट में मैक्लरी विद जैक्सन एंड स्टीफन स्पॉटिंग हिम आइदर साइड हिज फेस नाउ स्ट्रेक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड। तो क्या हुआ, एक मिनट के अंदर मिक्लरी जो था, यानी कि मिक्लरी समझा जा रहा जो इंजर्ड पर्सनैलिटी थी वहां पे, और ये तो कोई इमेजिनेशन कर ही नहीं सकता कि जो इंजर्ड फेलो था वो इवेंस खुद था। लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे सीन विल बी वाइस वर्सा, सिचुएशन विल बी वाइस वर्सा, यानी ऑपोजिट होगा। जो हम ये मिक्लरी जिसको समझ रहे हैं, तो ये सस्पेंस है, इसको आपको आई थिंक यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इन द नेक्स्ट स्टेप्स of this particular chapter, in the next episodes of this particular chapter, that will be concluding episodes. And with Jackson and Stephen supporting him on either side, so दोनों तरफ से support कर रहे थे Jackson और Stephen उस injured personality को जिसको McClary समझा जा रहा है, और जो उस fellow का face था, that had become very different at that particular moment. So it was streaked and caked with drying blood. जो सूखा हुआ ब्लड है वो दिखा, यानी हाईलाइट किया जा रहा था। वाज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर। तो उनसे गवर्नर मिले प्रिजन यार्ड में, परप्लेक्स्ड एंड ग्रीव, कंफ्यूज्ड एंड वाज इन इरिटेशन, वेरी सैड। परप्लेक्स्ड होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड, ग्रीम होता है सैड, अपसेट। गवर्नर ने तो बहुत कोशिश किया था कि ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट ना हुआ, ये सब कैसे हुआ। दैट इज व्हाई ही वाज परप्लेक्स्ड। जैसे उन्होंने देखा उस बंदे की हालत, जो भी प्रिजन में इंजर्ड स्टेट में था, वेरी अपसेट एंड कंफ्यूज्ड। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, next point, we must get you to hospital immediately. I just don't dash 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 dash. You called the police? Yes, they are on their way. But तो यहाँ पे देखिए हमें तो इसको hospitalized करवा देना चाहिए immediately. अब ऐसी हालत में हम किसी भी इंसान को देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, hospitalize उसको immediately, first aid और hospital में admission होनी चाहिए, क्योंकि first aid भी ऐसी critical state में कुछ help नहीं कर सकता। कहते कि इस बंदे को hospitalized करवा देना चाहिए। उन्होंने सोचा McClary जो है वो critical state में है, इंजर करके उसके जख्मी करके भाग गया है। कौन भाग गया है? Events। इसको hospitalized करवाया जाए। I just don't, I just don't. पुलिस को बुला लिया आपने? हाँ, कहते बुला लिया। ऑन द वे है। I'm all right. Look here. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. मैं ठीक हूँ, मेरे चिंता मत करो। देखो गवर्नर साहब, आप देखो। उसने कहा, अब वर्कवर्डली होता है कि बड़े अजीब तरीके से परेशानी में उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर खोला एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, और गवर्नर के फेस के आगे उसको रखा, उस क्वेश्चन पेपर को। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन? पे जो भी इंजर्ड स्टेट में फैलो है, जिसको मिक्लरी समझा जा रहा है, वो दिखा रहा है गवर्नर को कि सर देखो इस क्वेश्चन पेपर को, ये देखिए।
आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है? आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इज नो डाउट इन दैट. Governor looked down and realized what McCreary was trying to tell him. Governor जो था नीचे देखा, दिखा रहा था क्वेश्चन पेपर. गवर्नर ने उस क्वेश्चन पेपर की तरफ देखा और रिकॉग्नाइज किया कि मैक्लेरी के ये कहने का मतलब क्या है. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last originally blank page of the question paper. एक फोटोकॉपीड शीट थी, बड़े चलाकी से और बड़ी सावधानी से चिपका रखी थी. सुपर इम्पोज्ड होता है, बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से चिपकाई हुई थी. लास्ट जो पेज था ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज था जो कि ब्लैंक पेज था, एक फोटोकॉपीड शीट जो चिपका रखी थी. He wanted to highlight that particular sheet. He wanted Governor to recognize the basic point or basic reason of superimposing that particular sheet. I think you are able to look at this particular episode in a very different way. A critical state hai. Now look at the critical state. Hey, injured personality, injured banda to itna bole nahi pata. अगर ब्लड इतना ओवरफ्लो कर रहा था फिर एकदम से सो कैसे गया ब्लड. ये बड़े क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड है जहां तक यू विल हैव टू, लेकिन मैं सस्पेंस इसका खत्म नहीं करूंगी इस स्टोरी का. आई विल नॉट लेट यू नो द नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप आपको टेक्स्ट बताएगा. ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, ये सी इज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन. द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ long neglected learning willed himself to translate the German text before him. कहते तुम देख रहे हो ना, देखो क्या किया गवर्नर साहब, देखो जो वॉइस थी फिर धीमी हो रही थी क्योंकि हाईलाइट कर रहा है कि इंजर्ड था, तो आवाज ट्रेल्ड ऑफ होता है जब आवाज धीमी सी हो जाना बीच बीच में, तो आवाज उसकी फिर फेंट हो रही थी जब वो बोल रहा था जो इंजर्ड पर्सनालिटी था. तो जैसे गवर्नर जो था ही वाज जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर, जर्मन टेक्स्ट का जो पेपर था वो जब वो देख रहे थे तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. यू विल हैव टू लुक एट दिस. तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे एबल टू लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. अब ये जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ये जर्मन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, मुझे भी जर्मन नहीं आती फ्रेंकली स्पीकिंग, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. उसका मीनिंग हमें हाईलाइट किया गया नीचे, एबल टू लुक एट मीनिंग, तो हमें उसको देखना है. साई सोलन डैम सोचा दिस इज जर्मन लैंग्वेज, लेकिन इसका मीनिंग नीचे हाईलाइट किया गया है कि उसमें कहते क्या लिखा हुआ था. जो सुपर इम्पोज्ड शीट थी लास्ट पेज क्वेश्चन पेपर, खाली क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज था उसपे क्या लिखा था, उसमें लिखा हुआ था यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग. द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग समथिंग dash 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 something something dash dash dash, don't hit him too hard, remember someone is still, and don't overdo the Scots accent when dash 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 dash. Page pe kya likha hua tha ki bade plan out se karna hai, jo bhi karna hai jaise attack karna hai proper way se karna hai. Governor apne McCreary pe wo sheet ye dikha rahi thi. इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जब अटैक करना 3 मिनट पहले पेपर के. पेपर कब शुरू हुआ था, यू विल हैव टू लुक एट 9:25. 2 आवर्स का पेपर था, कब खत्म होना था 11:25 पे. और नाउ आई थिंक 3 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन मतलब 11:22, 3 मिनट पहले अपनी कार्रवाई करनी है. जो भी नॉनसेंस हरकत करनी है, ये नॉनसेंस इसके लिए नॉनसेंस नहीं है लेकिन दूसरे फेलो के लिए नॉनसेंस हरकत है. यानी जब भी अटैक करना है कि आपको 3 मिनट पहले करना है, पेपर खत्म होने से 3 मिनट पहले, यानी कि 11:22 पे. और कहते कुछ और भी बता रहा हूं, ज्यादा स्ट्रॉन्गली अटैक ना करियो. नो, ये याद रखियो कि वो प्रीस्ट है,
और ज्यादा बार बार रेपिटेशन ना करियो अपने स्कॉटिश एक्सेंट का, एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वेर डैश 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 डैश. आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यानी कि वो शीट जो थी, यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो इंजर्ड फेलो है कि उसमें जो शीट लगी है वो दिखा रही थी कि कैसे अटैक करना है, कितने बजे अटैक करना है. पेपर से 3 मिनट, पेपर खत्म होने से 3 मिनट पहले. आई थिंक एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. कहा कि स्कॉटिश एक्सेंट को हाईलाइट नहीं करना, ओवरडू होता है रेपिटेशन. Fast approaching siren wailed to its crescent, and the great doors of the prison yards were pushed back, and a white police car sped jerky hard beside. So, क्या हुआ next date पे? You will be able to look at the things कि जो siren था बहुत तेजी से, siren जो था वो high level पे बज रहा था. जो प्रिजन डोर्स थे यार्ड, यानी यू विल बी एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर कि जो सेल था उसका, इवेंट्स का, यू आर एबल टू लुक एट द डीविंग में था. तो प्रिजन यार्ड में क्या हुआ था, यू विल हैव टू लुक एट द थिंग्स. सो द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, खुल गया अपने आप, और एक व्हाइट कलर की जो पुलिस कार थी वो एंटर किया. यू विल हैव टू लुक एट, बट हॉल्ट होता है रोकना, जर्की होता है थोड़ा आई थिंक डिस्टर्बेंस क्रिएट होना जब भी हम किसी व्हीकल को रोकते हैं. आ चुकी थी यानी गाड़ी. यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आई थिंक देयर इज नो डाउट अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. लुक एट द नेक्स्ट. तो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. Stage पे जो superintendent Carter थे वो भी पहुंच चुके थे और उन्होंने गवर्नर को सैल्यूट किया. What the hell's happening sir? कहते सर क्या क्या हुआ नेगेटिव. Turning to make ready, Christ, who has hit him? कहते हे भगवान किसने अटैक किया इस फेलो पे. I think you are able to look up to this particular point. यानी कि ये हमारा जो एपिसोड है हाईलाइट कर रहा है कि इस स्टेज पे कौन आ चुके हैं, कार्टर जी. कार्टर की डेजिग्नेशन क्या था, यू विल हैव टू लुक एट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या कैसे हुई इतनी इतनी एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी कैसे हुई. वांटेड टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेरी डिफरेंट. ये जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी क्रिटिकल. और यहाँ पे कार्टर जी कहते हैं इसको किसने मारा, इसको कैसे हुआ ये सब कुछ. इन बिल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस. व्हाट, अब वो बिल्डरमेंट होता है कंफ्यूजन, जब एक्सट्रीम लेवल की कंफ्यूजन होती है. कार्टर जो थे गवर्नर की तरफ देखे और उनसे कंसल्टेशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, बताओ सर बताओ. Okay. जो टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन थी उस प्रिजन की वो थी गवर्नर. तो आई थिंक थिंग्स बिकेम वेरी कंफ्यूजिंग. कार्टर जी पूछ रहे हैं गवर्नर से अब क्या किया जाए. टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग. तो गवर्नर जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इनको अपने साथ ले जाओ, और If you think he will be all right, अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक रहेंगे, ठीक रहने का मतलब critical state में था, bleeding बहुत हो रही थी, कहते अपने साथ इसको ले जाओ. कार्टर जी गवर्नर जहां इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यही बंदा है जो जानता है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जानता है टू नो what's happening. He is the only one who seems to know what's happening. तो क्या होगा, क्या हुआ था. That personality is able to look at the things. कहते इसको इससे confirm करो, यानी this particular point was instructed by, you will be able to look at the governor to Carter. Carter opened the back door and helped Mickler inside. Carter ने गाड़ी का back door खोला ताकि Mickler अंदर चला जाए. And within a few seconds the car leaped away in the spread of gravel.
अब कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी जो थी वो चली गई. यू विल हैव टू लुक एट द थिंग. लीप्ड अवे इन अ स्पैट ऑफ ग्रेवल. इट वाज जस्ट मूविंग. मूव्ड अवे. इट हैड मूव्ड अवे. आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देयर इज नो डाउट. अब कार्टर के साथ यानी प्रिजन जो वैन होती है, जो प्रिजन की गाड़ी होती है, जो इंजर्ड फेलो था ही हैड गॉन. क्योंकि वो हाईलाइट कर रहा था, मुझे पता है कहाँ गया वो, कहाँ गया. अब गवर्नर कह रहा है पता है तो इससे कंफर्म करो कि कहाँ गया वो. एल्सफील्ड मैक्लेरी हैड सेड एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द जर्मन टेक्स्ट फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वे. यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन Elsfield way and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip dash 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 dash. So McCleary यहाँ पे चाहे state में है जिसको McCleary समझा जा रहा है जो prison van में Carter के साथ गाड़ी. He wanted to highlight that particular point. और वो कहते कि क्यों उन्होंने ये पॉइंट बोला. कहते जो एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो एल्सफील्ड के रास्ते में ही आता है और ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वहीं से उठे हुए हैं. क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे सुपर इम्पोज शीट का मतलब यही है कि समवन फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज प्लेइंग विद द थिंग्स. तो कहते उस रास्ते पे चलो सर. I think there is no doubt up to this particular point. Time says that we must close this particular lecture and we have to look at this particular lecture in a very sincere way. Any doubt, any query that will taken into consideration very sincere way. So I think we are very clear up to this particular point and I think next lecture will be the last lecture so far as this particular chapter is concerned. Just study line by line because we are closing this particular chapter tomorrow. And any doubt, any query, any difficult word, any concept, I'm always available. So thank you. Thanks a lot. Keep studying and take care of your health and happiness. Thank you. Thanks a lot.